आप सबको पता होगा कि मनरेगा से कोई भी योजना करने के लिए आपको जियोटेक कंपलसरी होता है, मतलब कि उस योजना में आपको जियोटेक करना पड़ता है। और जियोटेक है कि आपको तीन स्टेप में करना होता है, जो कि है कि जैसे आप काम को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको एक बार जियोटेक करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर वाला जियोटेक। वो करने के बाद आपको जब काम आधा पहुंच जाता तो वहां पर एक जियोटेक करना पड़ता है, जो कि होता है ड्यूरिंग वाला जियोटेक। और जब काम कंप्लीट हो जाता है तब आपका एक जियोटेक करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटेड जियोटेक। मतलब कि किसी भी योजना में आपको तीन बार जियोटेक करना पड़ता है। तो जियोटेक एक योजना करने के लिए आपको कंपलसरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे देख सकते हैं आपके पंचायत में कौन कौन सा योजना है जो जियोटेक के लिए भुवन ऐप में सेंड कर दिया गया। भुवन ऐप बहुत किसी के पास नहीं होता, इसलिए यही वीडियो हम बना रहे हैं कि आप गूगल से कैसे चेक कर सकते कि आपके पंचायत में कौन कौन सा योजना जो भुवन ऐप में सेंड कर दिया गया है जियोटेक करने के लिए। तो आप डिटेल में इस वीडियो में देख सकते हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे आप चेक कर सकते कि आपका योजना जो जियोटेक के लिए भेजा गया है कि नहीं, या फिर जियोटेक में आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं। पूरा डिटेल में देख सकते हैं गूगल की मदद से। आपका अगर भुवन ऐप नहीं है तो भी आप देख सकते हैं, पूरा कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो हेलो गाइज, स्वागत है आपको हमारा चैनल ग्रामीण डिजिटल जोन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना चाहे तो आप अपना फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना MG नरेगा MIS सिंपली आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपका जो ये पेज ओपन हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं आपको पहला वाला वेबसाइट मिल जाएगा MIS रिपोर्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन का लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा डालने का बोलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स दिया गया है, उसको आप सिंपल सॉल्व करके यहाँ पर कैप्चा में डाल के सिंपली वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम लोग कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप यहां देख सकते हैं आपका आ गया फाइनेंशियल ईयर, और यहां पर आ गया आपका स्टेट का नाम। आप जो भी फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अभी करेंट वाला हम लोग अभी देखेंगे, तो यहां से आप फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां से स्टेट का हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो अपना स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग रेंडमली कोई भी स्टेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको आना R6 जहाँ भी आपको वहाँ पर खोज लेना है। R6 आप देख सकते हैं ये रहा हमारा R6 वर्क प्रोग्रेस। इस पर आपको चले जाना वर्क प्रोग्रेस पे, और यहाँ से हमें चले जाना इधर नीचे। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 24 नंबर में दिया हुआ स्टेटस ऑफ वर्क सेट टू सिक्योर और भुवन में और सिक्योर में भेजा जाता है। आपको पता होगा कि सिक्योर में एस्टीमेट बनता है, तो उसका बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन दे देंगे, आप जाकर वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ, चलिए यहाँ पर क्लिक कर दें 24 नंबर में। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से यहां देख सकते हैं आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ जाएंगे। तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना आप कर लीजिए, हम लोग रेंडमली डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होंगे सारे ब्लॉक यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप अपना ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग रेंडमली कोई भी ब्लॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा है वो ब्लॉक हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपना जो भी ब्लॉक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपके ब्लॉक में जितने भी पंचायत होंगे सारे पंचायत यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप अपना पंचायत का सीधा में जाने के बाद जो आखिरी वाला जो रो है वहाँ पर आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग जो भी है अपना पंचायत देख लेंगे, या फिर जो भी पंचायत हमें देखना है जिसमें ज़्यादा है वो पंचायत देखेंगे और उसको हम लोग लास्ट वाला रो पे सिलेक्ट कर देंगे उसका सीधा में जाने के बाद।
वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आ गया है, जो कि यहाँ पर ये इतना आपका है जो अभी आया है भुवन ऐप में जियो टैग करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं वर्क सेंड टू भुवन फॉर जियो टैगिंग। यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ, आप ध्यान से देखिए, एक दिया हुआ सी, एक दिया हुआ आपका सी और एक आपका वाई दिया हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको वाई दिया हुआ रहेगा, मतलब कि जो सी वाला दिया हुआ वो आपको अभी तक आपका भेजा गया लेकिन जियो टैग नहीं हुआ है। जितने भी यहाँ पर सी दिया हुआ सारे में अभी जियो टैग हुआ नहीं है लेकिन भेजा गया, लेकिन जो वाई है ये जियो टैग हो चुका, भेजा गया लेकिन जियो टैग क्लियर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर योजना में नाम है कि नहीं इस लिस्ट में, तो आप देख सकते हैं। और अगर अभी भी कुछ आपको डाउट हो, कुछ जानना हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। आपके लिए यहाँ पर दो वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो देख सकते हैं, लोगो पर क्लिक कीजिए, आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहाँ से भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।